तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, और आप सभी का स्वागत है क्लैश ऑफ क्लैंस के एक और अमेजिंग गेम प्ले वीडियोस में, मतलब वीडियो में, सॉरी गाइस वीडियोस ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे अभी अपनी क्लान जो वॉर है वो अपने एक सब्सक्राइबर के क्लान से छिड़ चुकी है, जिसका नाम है बांग्ला 71, और मतलब क्लान का नाम है उसका, उस प्लेयर का नाम है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ इनिमी टीम में अगर आओगे तो। ये रहा अपना, ये कहाँ गया यार, हाँ 17 नंबर का जो प्लेयर है सानू मिनी, ये भाई अपना सब्सक्राइबर है और ये बंदा अपने क्लान में भी आया था और इसने कहा था कि भाई वीडियो बनाना जो वॉर होगी। और वैसे भी मैं इस वीडियो बनाने ही वाला था क्योंकि जो सामने वाला जो टॉप पे है, क्योंकि अपन टॉप पे टाउन हॉल 12 मैक्स और सामने वाला है टाउन हॉल 14। पहले बेस दिखा देता हूँ, अपने को इसे 3 स्टार करना पड़ेगा, देख सकते हो बहुत हार्ड बेस है और बहुत मुश्किल भी बेस है, लेकिन मैंने बहुत घंटों तक रिसर्च की इसलिए मैं पहले स्टार्ट नहीं किया, बहुत आराम से मैं लास्ट तक देखते रहा कि बेस चेंज होता है या नहीं, लेकिन चेंज नहीं हुआ तो मैंने सोचा अब इस पर अटैक करते हैं। बहुत मस्त प्लानिंग है, तुम लोग जान चुके होंगे कि कौन सी अटैक स्ट्रेटी यूज़ करनी है, नहीं जानते तो टेंशन मत लो, अपन यूज़ करने वाले ये वाली अटैक स्ट्रेटी। यहाँ पे मैंने आर्मी तो वही नॉर्मल वाली ले रखी है, लेकिन जो स्पेल्स और सीसी बहुत भयंकर वैल्यू देने वाले, तो वीडियो और ये अटैक पूरा एंड तक देखना। अगर टाउन हॉल 12 पे हो तो बहुत हेल्पफुल मिलेगी मिस मैच में अटैक, मिस मैच जो होता आता है उसमें अटैक करने के लिए। तो कोई बात नहीं, चलते हैं अटैक के लिए। अपने शुभम भाई भी अटैक कर रहे हैं और देखते हैं अभी कितना कर सकते हैं, लेकिन अपने पास आर्मी ट्रेन है, सब कुछ ट्रेन है, चलेंगे अटैक के लिए और इसको अटैक करते हैं। अब भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है और मैंने बहुत ट्राई भी नहीं किया ये अटैक स्ट्रेटी, बहुत कम जानता हूँ मैं अटैक स्ट्रेटी, फिर भी मैं इसे कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी अपने को नॉलेज भी मिल सके इस अटैक स्ट्रेटी में। तो अपने को इधर टाउन हॉल के पास तो नहीं ले जाना है, तो अपने को चाहिए होगा इधर से वैल्यू, तो यहाँ पर आएंगे ग्रांड वार्डन जो है अपना वो इधर लेंगे, उसके बाद अपना जो ये है इसे डिप्लॉय करेंगे और विथ एबिलिटी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद ये जहाँ जाएगा वहाँ पे डालना, पहले सबसे पहले इसको जाने दो जहाँ अपने को इसे पहुँचाना है, यहाँ पे पहुँचा दिया, ब्लिंक डाल दिया, दो टू ये डाल दिया, रजिस्टर डाल दिया, 1 2 3 4 यहाँ पे ये डाल दिए, इसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, वेट करते ही रहना है, थोड़ा सा वेट करना है, इधर आ जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये जो कोई ये है ना स्पेल जिसका नाम अपना है इनविजिबल स्पेल, इसे यूज़ करें क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है और इस बेस को आराम से खोलने में अपनी हेल्प कर सकती है। यहाँ पे मेरे को लगता है दोनों अपने को ये मिल जाने चाहिए और एक तो मिल गया, दो ओ यार टाउन हॉल भी मिल जाता तो बहुत मज़ा आने वाला था, लेकिन अच्छी वैल्यू दे दिए और मैं सोच रहा था थोड़ा सा और आगे जाता तो और अच्छी वैल्यू देता टाउन हॉल को क्लियर करके, लेकिन अपने पास जो आर्मी है अब उसी के साथ अपने को कुछ भी करना पड़ेगा, इस बेस को 3 स्टार करना पड़ेगा। ओहो इसमें थोड़ी सी वैल्यू कम मिली मेरे को, जितनी मैंने सोची थी उससे कम मिली है, अब क्या होगा यार देखने वाली बात है। यहाँ पे आएंगे ये डाल देंगे डिवीजन, इसके बाद एक यहाँ पे हीरो डाल देंगे और अपने पास तो ग्रैंड वार्डन भी खत्म हो चुका है, मैंने ग्रैंड वार्डन यूज़ किया था, टाउन हॉल निकल जाता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन टाउन हॉल ही नहीं निकला और दो एक ये रह गया, ये रह गया, मैंने सोचा था कि यहाँ पे निकालूंगा यहाँ पे जो सेंटर एरिया जहाँ पे, लेकिन वो थोड़ा सा पहले उतार दिया मैंने और ये मेरी गलती रही। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, इसमें कितनी परसेंटेज अगर निकाल सकते हैं, 1 स्टार मिल चुका है, क्या 2 स्टार मिलेगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 2 स्टार निकलने वाला है, बहुत दुख के साथ यार ये अटैक इसकी बहुत खराब निकली, मतलब अटैक इसकी परफॉर्मेंस है लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया, इसकी वजह से तुम लोग कह सकते हो कि बहुत नूब वाला अटैक हो गया, हाँ मेरे को यही लगता है। चलो अब देखते हैं कितनी परसेंटेज अपन गेन कर पाते हैं, क्योंकि 3 स्टार होने से तो ये रह गया, तो हो थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पे मैंने विचेस इसलिए ली थी कि सारा कॉलम खाली है तो ये विचेस वगैरह सब अंदर जा सकती है और टाउन हॉल और अपने को ये सब मिल जाता, बहुत मस्त वैल्यू हो जाती, लेकिन अब क्या करोगे यार, अब 80% हो चुका है, बहुत वैल्यू तो बहुत मिल गई यार, बहुत ज़्यादा परसेंटेज मिल गया। और सामने वाले जो भाई तुम्हारा क्लान है ना, जो सब्सक्राइबर अगर ये वीडियो देख रहे हो, मस्त क्लान है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है, मेरे क्लान में यार प्लेयर्स ही नहीं आते यार अच्छे वाले, अगर तुम लोग अच्छे प्लेयर हो तो मेरे क्लान में जरूर आना यार, मेरे को एक्टिव बंदों की जरूरत है, मैं भी खेलता नहीं उतना लेकिन मैं एक्टिव रहता हूँ, वॉर्स में अटैक करता रहता हूँ, लेकिन वो यार अटैक ही नहीं करते, मेरे को समझ में नहीं आता कि किसे लूँ या किसे ना लूँ, इसलिए मुझे एक को लीडर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है। यहाँ पर देख सकते हो ये बेस तो 85% ही हो जाएगा, तो ये छोड़ देते हैं अभी अपन, तो यहाँ पे अपन करेंगे वॉर मैप में आते हैं, 85% 1 स्टार बहुत गंदा हो गया। और उसके बाद ये जो अपना ये 3 स्टार देख रहे हो ना, ये टाउन हॉल 13 का था जिसे मैंने 3 स्टार किया था एक नॉर्मल विच स्लैब वाली अटैक स्ट्रेटी से, तो तुम्हें वो भी अटैक स्ट्रेटी दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले आना और रिप्लाई देखते हैं इसका, तो अभी देख सकते हो ये टाउन हॉल 13 का बेस कह रहे हो ना, देख लो पहले मैं तुम्हें हर चीज दिखा देता हूँ, टाउन हॉल 13 का लगभग बेस है, बस थोड़ी सी डिफेंस है, तुम लोग कह सकते हो कम लेवल के, इतने तो यार चलती है। उसके बाद अपने क्या किया, अपने को चाहिए थी इधर से एक वैल्यू, तो अपने यहाँ पर लाइटिंग स्पेल और एक अर्थक्वेक स्पेल जो विच स्लैब में नॉर्मली अपन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे 4 यहाँ पे भी डालेंगे, एक अर्थक्वेक मैंने पहले डाल दिया था, उसके बाद 4 लाइटिंग स्पेल्स अपन डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे तुम्हें सोचेंगे सीज मशीन कौन सी है, भाई सीज मशीन ये वाली नहीं है, बस वो मैं अटैक के समय बदल लूँगा, अटैक के समय बदल लूँगा, हाँ बदल लिया था, यहाँ पर अपने गोल्स डाली है, विचेस डाली और थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ और इधर देखते हीरो डाल देगा, और जो अपनी ये थी ना सीज मशीन बहुत अच्छा लॉन्ग रेंजर ने बहुत अच्छा काम किया, हीरो वगैरह सब बाहर जा रहे थे एंड टाइम वो अंदर जरूर आ रहे थे, तो ये देख सकते हैं वहाँ पे, और जो टाउन हॉल था ना वो बहुत गंदा गेम दे सकता था अपने साइड को, इसलिए मैंने जो सीसी निकली ना उसके ऊपर रेजिस्टर डाल दिया ताकि सीसी आराम से निकल सके, और मेरा जो प्लान था कि सीसी के साथ यार एक चीज और मिल जाता ये, तो वो भी निकला, और मेरे को लगा था कि पूरा बेस यार 3 स्टार नहीं हो पाएगा, मेरे लगा कि फेल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं,
हुआ था। अभी तुम देखना कैसे इस बीच कैसे खा गया पूरे विचेज और हीरोज है। यहाँ पे सिर्फ विचेज विचेज स्केलेटन्स, यहाँ पे अपने हीरोज नॉर्मली है और जो विचेज है गोलम्स है और बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो अभी हीरोज की एबिलिटी मैंने ले ली थी और यहाँ पे जानवर की एबिलिटी ले ली थी, इतने ज्यादा छोटी छोटी से ये बहुत अच्छा हेल्थ डैमेज देंगे। तो ये जो मैंने सोचा था बहुत काम आया क्योंकि जो ये था ना स्केटर शॉट वो इनके ऊपर हो गया और अपने बहुत सारी बैलेंस वगैरह विचेज वगैरह बहुत ज्यादा हेल्प की थी अटैक थ्री स्टार करने में। तो ये अटैक भी थ्री स्टार हो चुका है, उस मतलब हो चुका था। और अभी देख सकते हो कितने स्टार अभी अपने 44 स्टार्स है और सामने वाले भाई तुम्हारा 80 स्टार्स है। तो कोई बात नहीं, अपने को चाहिए 36। और इधर भी अपने साथ लग रहा है सारू इज ईयर ने भाई अटैक कर दिया, उसके बेस को भी अपन फोड़ने वाले हैं क्योंकि अपने पास टाउन 11 की भी एक अटैक स्ट्रेटी है जिसे मैं अभी बताऊंगा। तो अभी तो इतना ही, अभी टाउन 11 पे चलते हैं। अभी अपन आ चुके टाउन 11 के अकाउंट में और अपने को इससे भी अटैक्स करने तो आते हैं। और अभी जो ये दो स्टार एक स्टार वाला है इस पर अटैक करेंगे। अपने पास एक अटैक रेडी, एक अटैक स्ट्रेटी फेल हो चुकी है, वो एक गलती की वजह से हुई थी लेकिन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो प्रिंस ऑफ वॉर है इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसके कोर में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पे अपन ने बूस्ट वगैरह सब ले रखा है ताकि अपन आराम से इस बेस को क्लियर कर सके। उसके बाद अपन आएंगे किधर से अपने को डालनी चाहिए वो थोड़ी सी देखते। उसके बाद अपने को यहाँ पे लेना चाहिए ग्रैंड वार्डन अपन ले लेंगे और उसके बाद ग्रैंड वार्डन और पीछे से ये और विथ एबिलिटी इसको दे देंगे। उसके बाद ये इसे जाने तो जहाँ तक जा पाता है, उसके बाद अपने को टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे इनविजिबल स्पेल आ जाएगा, ड्रॉप कर देंगे ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा और रेज स्पेल बस। उसके बाद एक दो तीन यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे और आराम से वैल्यू अच्छी निकाल देगा। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा वेट ही करना है अपने को क्योंकि वैल्यू अच्छे से निकाल के ये देने वाली है। यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी, ये मेरे को लगता है ये भी मिल गया, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे ये भी मिल जाए तो अच्छी बात है मेरे को लगता है सीसी का ये। ओह आराम से निकाल दिया भाई, गजब बहुत बेहतरीन। अगले अटैक में ये अच्छे से वैल्यू नहीं मिली थी लेकिन इस अटैक में तो यार गजब कर दिया यार, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा इतनी अच्छी वैल्यू मिली। कोई बात नहीं, विश्वास करना ही पड़ता है भाई लोग। और उसके बाद अपने को ड्रैगन्स डिप्लॉय करने चाहिए हीरोज की साइड से। इधर आ जाएंगे इधर आ जाएंगे इधर आ जाएंगे, अपना जो गार्डन है वो तो टपक गया पहले। उसके बाद आ जाएंगे बॉलिंग मतलब जो ये है इसके साथ। उसके बाद अपने को इधर डिप्लॉय कर देने चाहिए बिग इधर बिग हाँ इधर आ जाएगा और एक ड्रैगन इधर और यहाँ पे अपन ये डिप्लॉय करते जाएंगे क्योंकि ये बहुत गंदा डैमेज देने वाले हैं अपने इसको मतलब जो ड्रैगन वगैरह है उनको, इसकी थोड़ी सी करते जाएंगे ताकि ये कम डैमेज दे सके। अपने पास हीरोज अभी भी जिंदा है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो हीरोज इधर डिप्लॉय कर देंगे आराम से, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि जो ग्रैंड वार्डन है और आरजे टावर सब इसको अटैक करने लगे। तो अपने इधर बलून डाल देंगे ताकि वो जो ये आरजे टावर है इसे क्लियर कर सके। तो अभी टाउन हॉल 11 का ये अटैक तो मतलब मेरे हिसाब से 3 स्टार होने वाला है और इस अटैक में सबसे मस्त काम किया अपने जो ये सीसी के थ्रू से, मुझे तो मजा आ गया यार। मैं अब बहुत ज़्यादा इससे अटैक यूज़ करूँगा। तुम्हें कॉम्पैक्ट जो सेंटर में जो वैल्यू ज़्यादा होती है ना उस पर अटैक करोगे तो तुमको ग्रेटर वैल्यू मिलने वाली है। और जो पिछली जो अटैक जो मेरे से फेल हुई थी उसमें भी यही दिक्कत थी कि मैंने सोचा कि यार अटैक स्ट्रेटी मस्त है इसमें भी आराम से कर देंगे लेकिन भाई वो थोड़ा सा दूर था बात ये। और उसमें क्या है जहाँ तक मैं ब्लेम उतारना चाहता हूँ वहाँ नहीं गया था इसी वजह से वो 3 स्टार हुआ, लेकिन ये 3 स्टार हो चुका है बहुत मस्त। यहाँ पे अब अपने हो चुके कितने स्टार्स हो चुके हैं अपने 49 स्टार्स। अभी अटैक्स चल रहे हैं भाई कार्तिक पांड्या जो हमारा क्या नाम है इनका भाई कार्तिक पांड्या ये हमारे को लीडर है, ये भी बहुत मस्त अटैक करें, ये भी अटैक करेंगे भाई बहुत टक्कर वाली वॉर लग चुकी है, मजा आया मेरे को। तो अपन ने यहाँ पे टाउन 12 के साथ अटैक किया 85% और ये कई रिप्लाई भी दिखाया 100% और उसके बाद अपन ने यहाँ पे एक अटैक किया जिसका नाम मतलब 100%। तो अपने पास 51 स्टार है और भी मेरे पास आईडी से उसके साथ भी अटैक कर सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे को थोड़ा सा कह सकते हो कि नेट कम रहता है इसलिए मैं इतनी लंबी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो बहुत मस्त लगी होगी। तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता है कि तुम बहुत मस्त खेलते हो तो मुझे भी बताना यार, मतलब और मस्त खेलते हो तो तुम भी इंस्टा पे मुझे सेंड कर सकते हो, इंस्टा प्रोफाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आराम से चेक कर सकते हो। जब तक के लिए इट इज लाइक क्लास रिपीट।